Can we start now? Okay, sir. Okay. So, Hukumram ji, it'll take around 15 minutes, okay, for this video. Yes, okay. Sir. Can we start? So, basically, we are teaching for IBPS RRB from last 6 years, our team. So, based on the experiences, we are going to ask the questions, right? And in this mock interview, we begin with, let me just tell you how it's going to happen. So, main start karne se pehle aapko bata deta hun. How we gonna do this? In the beginning, okay. So in the beginning, what we are gonna do? We are gonna ask the basic banking questions, right? Basic about you. Aap karte kya ho? The processes that you are working in, everything, right? That's point number one. And then, जो भी आप करते हो उसमें से banking की guidelines वो सारी हो जाएगी, ठीक है? And then some personal questions. ठीक है, and then we'll wrap this up, okay? Ready? So okay, let's start. So Hukumram ji, so tell me something about yourself. What are you doing and all, right? So tell me. Sir, my name मैं sir pure English में हिंदी में बोलूँगा, है ना sir? हिंदी में बोलना चाहते हैं हम, तो हिंदी में बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुकुमराम जी, बताइए. Sir, मेरा नाम हुकुमराम है, मैं राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. अच्छा. वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में एज ए स्किल टू ऑफिसर अभी जो हूँ. अच्छा, राजस्थान में कहाँ से आप? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जो लास्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है. अच्छा, बॉर्डर एरिया से हैं. ओके, जी सर. ओके, अभी आप मध्य प्रदेश में स्किल टू ऑफिसर एज अ काम करते हैं. सो कौन से प्रोडक्ट्स मध्य प्रदेश सर? जी सर. कौन से प्रोडक्ट्स में आप काम करते हैं, मतलब क्या प्रोडक्ट आप जो है जिसमें डील करते हैं? एज ए बीएम करता हूँ सर. सब कुछ ही करते हैं तो आप, राइट? सब कुछ ही करते हैं. ओके ओके, सो कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, राइट? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं. जब हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, महंगाई हो रही है, उससे गरीबों को नुकसान होता है ऑब्वियसली, राइट? अमीर लोगों के पास पैसे है, तो सरकार को प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है, ठीक है? थोड़ी सी इंग्लिश आ रही है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. तो कैसे होगा तो okay, वो इन्फ्लेशन को कैसे हैंडल करता है गवर्नमेंट, जो है वो कैसे हैंडल करती है, आरबीआई का उसमें क्या रोल है, आप ये बताइए. सर, आरबीआई में इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए जो बेसिक्स वो सीआरआर है, रेपो रेट है, उसको वो डाउन करती है, उसकी रेट सीआरआर को डाउन करती है. तो उससे क्या होता है, इससे क्या कि मार्केट में जो मनी सप्लाई कम है वो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी. उससे क्या होगा? उससे सर जो जैसे हर किसी के पास जैसे पैसे वो अमाउंट जैसे क्या कह सकते हैं सर, आई थिंक जैसे पैसों की कमी है, जैसे कोई रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बैंक के पास बैंक मनी लेंड कर सकती है. तो फिर उससे क्या होगा, मतलब उससे क्या होगा? सॉरी सर, बता दीजिए से क्या होगा जब लैंड ज्यादा कर देंगे. सही जा रहे हो, बता दो. हाँ, तो लैंड ज्यादा तो जो जिसके पास पैसे कम है वो मतलब बोरोइंग करके अपनी नीड है वो उसके अकॉर्डिंग वो मतलब मार्केट में पेमेंट आ जाएगा. तो उससे हो जाएगी ये. चलिए, चाहे ये मॉक इंटरव्यू है, ये पिछले सालों में पूछा गया है, आप सही बता रहे हो, लेकिन आपको स्माइल नहीं करना है बताते हुए, ठीक है? तो ये गलती है, क्योंकि होता पता क्या है, ये तो चलो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंडली. हमारी शायद एज भी मेरी एक दो साल आपसे ज्यादा होगी, बट मैं आपको एक जनरल बताना चाहता हूँ. व्हेन वी बेसिकली स्माइल हम आंसर करते हुए, तो इंटरव्यूअर को लगता है कि आप उसे सीरियसली नहीं ले रहे. चाहे आप गलत आंसर दे दो, सीरियस होके दोगे तो मतलब एक एक पॉइंट बनता है, अगले को लगता है कि यार मेरा मजाक उड़ा रहा है. मुझे तो नहीं लगता, मैं तो टीचर हूँ, बट मैं आपको जनरल एक बता रहा हूँ, ये चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन पूछे. नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. आपके बैंक में गोल्ड लोन देते हो आप? जी सर, गोल्ड लोन. गोल्ड लोन, मान लो मैं अपना गोल्ड लेकर आया, तो प्रोसेस क्या है उसका, बताओ प्रोसेस, बताओ गोल्ड लोन का. सबसे पहले हम वो देखेंगे वो कस्टमर कस्टमर को पहचाने, उसकी केवाईसी लेंगे. पहले वो
हमारे यहाँ ऐसा है, सबसे पहले वो कस्टमर अपनी बैंक का होना चाहिए, मतलब उसका अकाउंट होल्डिंग ब्रांच में होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे भाई क्या है, जैसे सोना है तो वो ज्वेलरी होनी चाहिए, ना कि वो होना चाहिए बिस्किट। बिस्किट जी, तो ओके, बिस्किट के लिए नहीं ज्वेलरी पे दोगे? देते हैं जी। ओके, बिस्किट तो बेच सकते हैं ना। जी सर, आप कैसे वेरीफाई करोगे कि गोल्ड उसी का है? सर चोरी करके इसमें तो नहीं लाया? हाँ इसमें सर अंडरटेकिंग लेते हैं, जैसे उसमें देखते हैं ज्वेलरी कैसे है, जैसे मेल ज्वेलरी है या फीमेल है, ओके, तो मेल उसके ज्वेलरी है, उसके फीमेल। अकॉर्डिंग अगर फीमेल है तो फिर उसमें जॉइंट में फीमेल को करते हैं। एक मिनट सर, इसके मेल ओके, तो वो गोल्ड लोन का एक्स्ट्रा चार्जेस कटा था, अगर आप देखो ना वो। सर यादव सर, इनका गोल्ड लोन का वो चार्जेस कटा, एक बार चेक करना, रिवर्स हुआ गया। सॉरी इट्स सॉरी, ओके। हाँ, 2 मिनट, बिकॉज इनके गोल्ड हम लोग वो बाइक लोन के फाइल पे साइन करवा देना इनके थोड़े सर। जी सर, तो चलिए। उसकी वो फीमेल है, फीमेल ज्वेलरी है, तो फीमेल को जैसे मंगलसूत्र है तो ओके, फीमेल फीमेल को ज्वाइंट करते हैं। फिर उसमें उसका वैल्यूअर, हमारे यहाँ अपॉइंट होता है वैल्यूअर, उसको बुलाते हैं, उसकी ओके वैल्यूएशन करवाते हैं, ओके। उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वो करंट वैल्यू, उसकी टोटल करंट, उसका हम 75% तक करते हैं। और ये उस खुद का है या नहीं है, जैसे अभी लेटेस्ट उसने परचेस किया तो उसके बाद बिल मिलेगा, अगर उसके बाद वो पुराना है तो वो उनसे हम एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि ये मेरे नाम का है, जो मेरे को पैतृक मिली है, यहाँ पर मेरे द्वारा पहले बनाया गया, जिसका बिल मेरे पास नहीं है। ओके, तो इन केस वो पे नहीं करते वापस, ठीक है, और गोल्ड की वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या प्रोसेस है? सर उसका पहले से मार्जिन लेके चलते हैं, जैसे 75% का करते हैं ओके। तो उसका जो वर्तमान में रहता है, मान लो उसकी डाउन हो गई रेट, तो अपन उसको जो वो गोल्ड वैल्यू जो भी है उसको अपन सेल कर देते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह जाता है उसके लिए अपन उसको अगेन डिमांड नोटिस भेजते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या देते हैं गोल्ड पे? गोल्ड लोन पे क्या इंटरेस्ट रेट है? अभी है सर यहाँ पे मेरी बैंक पे 9.5% है सर। 9.5? बहुत ज्यादा है तुम। जी नहीं, सर, मतलब ये कैसे, हर हर किसी को सेम रेट पे देते हो या अलग अलग रेट पे देते हो? नहीं सबको एक रेट नहीं, सबको सेम रेट पे, सारे लोन, मतलब जो भी में, नहीं बाकी के सारे गोल्ड लोन, गोल्ड लोन का कह रहा हूँ सर। लोन 9.5 पे है, और कार लोन कितने पे है? कार लोन है सर 8% है वर्तमान में। 8%? जी सर, सबको 8% पे देना है? हाँ सर, वो अगर तो कोई आपका कस्टमर स्टैंडर्ड है। रहता है जी, नहीं वो उसमें जैसा हमारे पास पावर नहीं थी, हमारे रीजनल मैनेजर रहते हैं, वो 0.5% देते हैं छूट। 0.5% दे सकते हैं, मतलब किसी का सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है और उसकी स्टैंडिंग अच्छी है, उसके अकाउंट में पैसे वैसे हैं, तो फिर भी आप उसे 8% पे दोगे? सर यहाँ पे वो क्रेडिट स्कोर का नहीं रहता, माने सबको एक जैसा अच्छा, आप क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते? चेक करते हैं, जैसे मान लो किसी का हाई है तो उसको इंटरेस्ट रेट में ऐसे कुछ बेनिफिट नहीं है कि भाई आपका हाई है तो आपको कम अच्छा, कुछ मिलेगा, जिसका बेनिफिट नहीं लो है देना, उसको जैसे प्राइवेट बैंक देते आप नहीं देते? प्राइवेट नहीं। बैंक वाला सिस्टम नहीं। जी चलिए, ये वाले क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए अभी कि आप क्यों आना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू स्विच अप, स्केल टू ऑलरेडी है, दोबारा क्यों देना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी एमपी में पोस्टेड हूँ, तो एक हर कोई चाहता है कि जिसका कि अपन होम स्टेट में हो, तो अपने मध्य घर। प्रदेश में गए क्यों, उधर गए क्यों सर आप? वहाँ पे इसकी एज स्किल टू, वहाँ पे पहले मैं मध्य प्रदेश में ही था स्किल 1 पे, अभी मेरा स्किल 2 में वापस मध्य प्रदेश में हो गया देखिए, राजस्थान एक बहुत पहले। बड़ा स्टेट है, तो अब घर के जी पास हो सकता है आपको दोबारा फिर ना मिले। मैं राजस्थान तो बहुत बड़ा राजस्थान स्टेट है में ना, हूँ जी सर। तो हो सकता है आपको घर के पास फिर ना मिले, वो भी दूर मिल जाए तो क्या करोगे? यहाँ से जैसे कि यहाँ से मेरे को घर जाने में लगभग 30 और 36 आवर लगते हैं, अच्छा, 36 घंटे? और राजस्थान में ऐसी कनेक्टिविटी है सर, आप मतलब 12 आवर तक आप भी किसी भी कोने में अगर हो तो वहाँ हो जाते, घर पे जा सकते। मैरिड हो आप? नो सिंगल। अच्छा, अभी सिंगल हैं, चलिए बढ़िया। जी सर, ओके, हुक्मराम जी, अच्छा लगा आपसे बात करके वैसे आज।
नॉलेज अच्छी है आपकी, बेसिकली प्रोडक्ट्स में आपकी नॉलेज अच्छी है। तो आपको अभी मैं थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है, अपना जो मैंने किया है, जो आप जिस जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में जब आप आंसर दे रहे थे ना, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपको भी पता है ना। आपको जी जितना आता सर, आप कॉन्फिडेंट दें, जो आपको नहीं आता उसको आप हाँ चाहे उसको बोल दें मुझे नहीं आता, ठीक है। एंड इसके बाद जो जी है, मैं आपको एक आपनी ईमेल आईडी आपने हमें दी हुई है, मैं आपको एक 45 पेज का एक नोट्स भेजूंगा संडे से पहले पहले, सैटरडे तक। अब वो एक दिन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एंड दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। आई होप आपको ये इंटरव्यू ने थोड़ा हेल्प जरूर किया होगा, सर राइट। आई होप आपको ये जो हमने आज 1-to-1 ये जो एक्सरसाइज करी है, इससे आपको हेल्प जरूर मिली जी, होगी, आई आई होप, आई गेस। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सर, आप कुछ बिल्कुल। पूछना चाहते हैं? मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया आपका, 20 मिनट लिए, आई थिंक 10-15 मिनट लिए हैं। आप कुछ पूछना नहीं चाहते नहीं हैं, कोई डाउट हो आपको? नो सर, नहीं चलिए, सर, मैं आपके 2 मिनट लूंगा। अगर आप ये जो एक्सरसाइज हुई है, जो हम यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ है, या हमने स्टडी मटेरियल आप बनाया था, या आपने कैसे तैयारी करी, इसके बारे में अगर आप 1 मिनट बोलना चाहते हैं, दैट विल हेल्प अस फॉर श्योर, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे, ओके। सर जैसे मैं लास्ट ईयर स्केल वन पे था, लास्ट ईयर 2020 में मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें आपकी जो पीडीएफ हर मंथ आती थी वो देखी, और आपके यूट्यूब पे जो भी चैनल वो आती थी वीडियोस वो देखा था। तो लास्ट ईयर में मैं सेलेक्टेड हो गया था, पर राजस्थान में पोस्टिंग नहीं होने के कारण मेरे एमपी में हो गया था। इस साल भी आपका हर एक वीडियो मतलब देखा मैंने, ओके ओके, थैंक यू। जैसे कोई, और वो पीडीएफ भी पढ़ी मैंने खुद ने पढ़ी, और मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने यही सजेस्ट किया, क्योंकि आपका मेटेरियल शॉर्ट मतलब एक एक श्योर है, मतलब आपका चलिए, ऐसा नहीं किसी को वो लेंथी रहता कैसे क्या है डिस्क्राइब करने का। मेरी इंग्लिश वीक है, फिर भी मैं इंग्लिश में आपको पढ़ता हूँ, एकदम बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत तारीफ करवा ली मैंने अपनी। बाकी आप इंटरव्यू है। नहीं देकर नहीं सर आइए, मैं आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा ना, तो मैं आपको जरूर एक बार कॉल करूंगा, ठीक है। चलिए, जी अभी सर, अब के लिए राजस्थान में सर वैकेंसी आ गई, इसका ही है आएगी, जो गारंटीड हो गई। आएगी, और आपका 100% इस बार होगा। पिछली बार थोड़ा सा वही जी लक्का हो गया सर, मेरे हिसाब से, इस बार 100% होगा, और मैं आपको दोबारा से एक बार कॉल करूंगा रिजल्ट के दिन, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।